जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2019 का आगाज दिन शनिवार को 23 मार्च को हो गया है। आज आईपीएल 2019 का तीसरा मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। हम आपको इन दोनों टीम के प्लेइंग 11 खिलाड़ियों का बताएंगे और उसके बाद हम मैच प्रेडिक्शन की बात करेंगे कि इन दोनों टीम में से किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है और कौन सी टीम आज का मैच जीत सकती है। मगर पहले हम इन प्लेइंग 11 खिलाड़ियों के बारे में आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ओपनिंग करने आएंगे पृथ्वी शॉ, उनका साथ देंगे शिखर धवन, तीसरे स्थान पर कप्तान अय्यर बैटिंग करने आएंगे, चौथा स्थान पर ऋषभ पंत, पांचवें स्थान पर कोलिंग, छठवें स्थान पर क्रिस मॉरिस, सातवें स्थान पर बैटिंग करने आएंगे अक्षय पटेल। जहां लोअर ऑर्डर की बात करें, आठवें स्थान पर बैटिंग करेंगे अमित मिश्रा, नवें स्थान पर कागिस्को, दसवें स्थान पर ईशांत शर्मा बैटिंग करने आएंगे, ग्यारहवें स्थान पर आएंगे ट्रेंट बोल्ट। इसी के दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 खिलाड़ियों की बात करें कि कौन कौन से खिलाड़ी आज इस पे खेल रहे हैं। ओपनिंग करने आएंगे डीकॉक, उनका साथ देंगे रोहित शर्मा, तीसरे स्थान पर बैटिंग करेंगे सूर्या यादव, चौथे स्थान पर युवराज सिंह, पांचवें पर ईशान, छठवें पर हार्दिक पंड्या, सातवें पर कुणाल पंड्या। लोअर ऑर्डर की बैटिंग की बात करें, आठवें स्थान पर बैटिंग करने आएंगे मिचेल लेनागन, नवें स्थान पर मयंक, दसवें स्थान पर लासिक मलिंगा, ग्यारहवें स्थान पर बुमराह बैटिंग करने आएंगे। और अगर हम मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो मुंबई इंडियंस के बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप दिल्ली की टीम से थोड़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है और हम ये कह सकते हैं कि ये टीम का मुकाबला भी दिल्ली और मुंबई इंडियंस का देखने लायक होगा। अभी आपने देखी खबर एसएस की एक रिपोर्ट। देश विदेश की इसी तरह की मनोरंजक और ताजी खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और खबर एसएस की सारी अपडेट समय समय पर पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाना ना भूलें।